दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव और गाइस आज है थर्सडे, टाइम है क्यू एंड ए वीडियो का, तो लेट्स गो। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है उमर एजाज का, ब्रो हाउ कैन वी अर्न मनी बाय प्लेइंग PS4 गेम्स। तो उमर यहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर तो कोई है नहीं, बहुत लोग ये काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट ऑनेस्टली मैं भी यही काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे अच्छे खासे पैसे कमाऊँ, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सभी लोग ये करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता यार गेम खेल खेल के पैसे आ जाएँ, तो ये तो सबसे ईजी चीज़ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गेमर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूट्यूब पे भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी। लेकिन ट्विच यूट्यूब अभी भी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पे आप गेमिंग करके पैसे कमा सकते हो अगर आप में टैलेंट है। और टैलेंट से क्या मतलब है कि या तो आप बहुत ही अच्छी गेमिंग करते हो जैसे कि निंजा करता है, या फिर कुछ आप फनी एलिमेंट्स में डाल सकते हो जैसे कि कई इंडियन यूट्यूबर्स करते हैं, आपको नाम भी पता होंगे। तो अगर आप उस तरह का कुछ अलग से कर पाते हो तो मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा स्कोप है गेमिंग में। बाकी यार कैजुअल गेमिंग का इतना ज़्यादा स्कोप अब मैं कहूँगा नहीं है, और आपके बजट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बजट खर्च करना चाहते हैं गेमिंग चैनल खोलने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, एक फैक्टर होता तो मैं आपको स्ट्रेट आंसर दे देता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रांजल पटेल का, काश मैं इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर सकता। तो प्रांजल भाई थैंक यू सो मच, और ये है मेरी अभी वाली वीडियो गफार मार्केट का ब्लॉग, तो थैंक यू भाई। एंड मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ गफार मार्केट ब्लॉग को लेके, कि मैंने कई सारी शॉप्स पे ब्लॉग बनाया गफार मार्केट में, लेकिन मैंने अपलोड अभी एक ही शॉप का करा है क्योंकि काफ़ी लेंदी ब्लॉग्स हैं, तो मैं उनको पार्ट्स में अपलोड करूंगा, 3 या 4 पार्ट्स आएंगे आने वाले दिनों में, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गेमलाइन गेमिंग का, भाई पबजी मोबाइल बिना लैग के खेलना के लिए बजट फ़ोन बताओ। तो पबजी आपको खेलनी है बिना लैग के बजट फ़ोन में तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है मैं अपने फ्रेंड के गैलेक्सी S7H पे पबजी खेल रहा था और काफ़ी स्मूथ थी, लेकिन 15 मिनट खेलने के बाद गेम काफ़ी लैग होनी शुरू हो गई और फिर उसको रीसेट करना, फ़ोन काफ़ी हीट हो गया था। तो अब बजट फोन्स में मुझे नहीं लगता कि वो इतनी स्मूथली चल पाएगी। बाकी आपको वन प्लस सीरीज़ के साथ ही जाना चाहिए अगर आप थोड़ा बजट देखते हैं, क्योंकि वन प्लस सीरीज़ बाकी फ्लैगशिप्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रिंस यादव का, सर मैंने कई बार आपसे हेल्प मांगी बट मुझे आंसर नहीं मिला, सॉरी ब्रो सॉरी। और मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को PS4 इन्वर्टर से कैसे चलाना है, प्लीज़ हेल्प। गाइस इस पे मैं वीडियो भी बना दूंगा यार, PS4 क्यों नहीं चलता इन्वर्टर पे? इन्वर्टर पे मैंने खुद चलाई हुई अपनी PS4 और मेरे पास APC का UPS है। हाँ लेकिन इन्वर्टर आपका UPS टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए, नॉर्मल इन्वर्टर पे कट कर जाता है, उस पर नहीं चलता है मैं मानता हूँ, बट UPS टेक्नोलॉजी वाला अगर आपके पास इन्वर्टर है तो बिल्कुल सही चलेगी PS4। कोई भी कॉन्सोल यार, कोई इतनी पावर हंग्री कॉन्सोल्स नहीं होते हैं कि आपका ये इन्वर्टर ट्रिप मार जाएगा या फिर UPS ट्रिप मार जाएगा। आईबॉल निरंतर पे भी मैंने अपनी PlayStation 4 जब नई नई ली थी तब मेरे पास आईबॉल निरंतर था और बिल्कुल स्मूथली चलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी PS4 में। और अब मेरे पास है APC का BR1500G, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइस। और आप मेरी पुरानी विच UPS टू यूज फॉर योर कॉन्सोल वाली वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है RS2C फॉर हिंदी मीडियम का, गेम प्ले की भी वीडियोस बनाओ विद कमेंट्री। तो इसके ऊपर मैंने शुरुआत कर दी थी कल ट्विल्स फ्यूजन के साथ, और गाइस बनाऊंगा मैं और गेम प्लेस करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स आ रही हैं, तो चिंता मत करो इस पे आपको बहुत जल्दी गेम प्लेस मिलेंगे। गाइस अगला क्वेश्चन है सुमित कुमार का, ब्रो VR पर वीडियो बनाओ। यार ये मैंने मेरी टू डू लिस्ट में है, ये PSVR पे और Oculus Rift पे वीडियो बनाना, और ये भी बहुत जल्दी आ जाएगी, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर टारगेट कंप्लीट करना है मेरे को ये वाला, तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है धंदे रणबीर सिंह, अगर मैं आपका नाम से बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। सर मेरे पास UAE PS Plus कोड है और वो इंडिया में वर्क नहीं करता, कोई सोल्यूशन? यार यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ आती है, अगर आपकी जो ID बनी है वो इंडियन अकाउंट है, उसमें आपने कंट्री सेलेक्शन जो रीजन सेलेक्ट किया था वो इंडिया है, तो बाहर के कोड्स मेरे ख्याल से काम नहीं करते हैं, तो ये चीज़ एक चेक कर लेना। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपका PS Plus का जो कोड है वो एक्सपायर्ड हो या फिर किसी और ने यूज़ कर लिया हो और आपको पता ना चला हो, तो ये भी चेक कर लेना। गाइज अगला क्वेश्चन है टू फेल अहमद का, भाई हीटिंग इशूज़ पर वीडियो बनाओ। भाई हीटिंग इशूज़ पर मैंने वीडियो बना रखी है, बाकी एक और इशू सामने आया है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा,
और वो भी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। जो इश्यूज आते हैं PS4 के साथ और एक्सबॉक्स वन के साथ, उन पे नेक्स्ट वीक तक वीडियो आ जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मले देव वर्मा का, ब्रो आई नीड योर हेल्प, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आई नीड टू बाय अ कंसोल फ्रॉम दिल्ली, हेल्प मी आउट प्लीज एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो मले आपने शायद मेरी अभी करोल बाग वाली वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज जल्दी से देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी उससे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फ्रीकिंग गेमर का, फेस कैम कैसे करा। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरी ट्रेलर्स फ्यूजन वाली वीडियो पे कई बार आ चुका है कि मैंने फेस कैम कैसे करा। तो फेस कैम मैंने करा इससे, अपने एंड्रॉयड फोन से मैंने अपने फेस को साथ साथ अपनी प्रेसिजन के रिकॉर्ड करा और बाद में उनको एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू सिंक किया, जो काफी डिफिकल्ट लगा मुझे, बट इसके लिए भी मैं कोई इजी वे आउट ढूंढ रहा हूँ जो जल्दी से हो जाएगा और मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज मुझे जल्दी से कहीं जाना है, इसलिए सिर्फ मैंने पिकअप किए हैं आज 10 क्वेश्चंस, लेकिन नेक्स्ट Q&A सेशन में करूंगा ज्यादा क्वेश्चंस पिकअप। तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए नीचे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।